सीतारूम। आइए, क्या नाम है? ओ, हमने बुलाया था क्या? वहां पीछे बैठी थी। माइक, पहले माइक ले लो, जो ले लो। इसे बोलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही? कान में लगाओ, हेलो। हेलो, इस वाले कान में लगाओ, हेलो। हेलो, कपड़ा के ऊपर से लगाओ, शायद आवाज ना आए। हेलो, आ रही ना? आ रही, ठीक। साधु जी, कुसुम नाम, कहाँ रहती हो? माइक ले लो ना, यही से बोलना। चौमेला के पास लूना खड़ा। कहाँ पड़ता है? यो या मेरे से। मेरे से। जी मुगनी दुखी हूँ, अबे आप सब उद्धो करो मार करो। कोई भी नहीं है हमारा, कोई को। पूछो क्या बात है, थोड़ा नजदीक आके। संतान को नहीं बोली थी, संतान को सुख को नहीं। और घर में भी खूब दुखी हूँ, मां धास कुछ भी नहीं निकले, बीमारी निकले भी कौन। साथ में कोई और आया है? पढ़ी लिखी हैं आप? नहीं। हम पढ़ के बता देते हैं, आप किसी से भी बाद में पढ़वा लेना क्योंकि देर लगेगी। आपको शरीर में दिक्कत बनी हुई है, लगातार बीमार बनी रहती, वजन घटता है, पेट व शरीर में जकड़न हो जाती, ये तो दिक्कत है ना। कोई भी संतान नहीं है, रोग ठीक होगा, घर में सभी को यही हैरानियां पेट की बनी हुई है, हाँ या ना। संतान योग नहीं है, न इस चक्कर में रहें, पर यह मसान के कारण बीमारी है, इसलिए दवा ठीक नहीं कर पाती, वह चरम रोग भी बना रहा, चरम रोग भी बना रहा जो 7 महीने में बागेश्वर धाम के अभिमंत्रित जल से ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। आपने बंधन करवाया था? खूब कराया, जो करियो, जो के जो की दो। खूब रुपया भी बर्बाद किए, पैसा बगाड़ा गुरु। अच्छा, स्थान बदला है क्या बाद में? हाँ। अभी ना? अब नवा मकान बनाई लिया, नया अलग से। हाँ। पुराना वाला आपका अलग है। हाँ। वहाँ पर आपने एक कोई घोड़ा रख रखा था? कहीं मालूम गुरु जी, अबे घोड़ा हाँ, छोटा सा फोटो वाला तो गुरु जी का ही वे तो कहीं मालूम है, याद तो नहीं रही हूँ। अच्छा, अभी भी है लेकिन ये? हाँ, अलमारी में रखा है, कोने में कोई अलमारी है जहाँ आपका पूजा स्थल था, देवता, जहाँ आपने देवी माता को रख रखा था, देवी माता शंकर जी को स्थान दिया था, वहीं पूजा रख रखी थी आपने, वहीं पर एक छोटा चित्र रखा हुआ है घोड़ा वाला, जो किसी के द्वारा सिद्ध करके दिया गया था, जो बंधन करने एक ताऊ आए थे, पगड़ी वाले ताऊ आए थे, इसमें उनका नाम सुजान आ रहा है, सुजान नाम के जानकार आए थे, उनके द्वारा सिद्ध किया हुआ दिया था, उन सब सामान को आप विसर्जित कर दीजिए क्योंकि वो मुसलमानी प्रयोग था। हाँ, नए वाले पे कुछ नहीं रखना, केवल हनुमान जी का पंचमुखी चित्र रखना है जहां अभी रहते। पंचमुखी मतलब 5 मुंह होते हनुमान जी के, फोटो मिलता ना, 5 मुंह वाला, आप वो भर रख लीजिएगा, बाकी आप हम पर छोड़िएगा, जाओ बालाजी कृपा करेंगे, और ये चर्म रोग, शरीर की पीड़ा, बीमारी, सिर पे बोझ बनना, घर में क्लेश भी बहुत ज्यादा होना, बहुत ज्यादा उठा पटक मचाता, रात को पूरे शरीर को जकड़ लेता, सुबह से उठने नहीं देता, त्योहारों पर आपको रुलाता है, वह कोई चांटा जैसा मार जाता, रात को कोई छू जाता है, हाँ या ना, आज से बंद होगा, जाओ। बालाजी आज से कृपा करेंगे, हम पर छोड़ो,
हनुमान जी दया करें, लेकिन अब कोई तुम्हें बंधन में नहीं पड़ना, किसी के भी चक्कर में, उनके चक्कर में पड़ो, हमारे भी चक्कर में नहीं पड़ना है। बात पूरी समझ आई? कोई संदेह है आपको? हमारी भाषा समझ आई? बराबर खुश रहो मां। साधु जी और ठाकुर जी को ही अब आप अपना बेटा मानिएगा।